हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजड़। हाँ तो गाइस, सभी को पता है 2023 साल के नाम से नहीं जाना गया था, क्लैश के नाम से जाना गया था, यानी कि डायनासोर वर्सेस डोंकी के नाम से। बिल्कुल उसी तरह 2024 भी भाई सब क्लैश के नाम से जाना जाएगा, यानी कि पुष्पा द रूल और सिंगम अगेन के नाम से जाना जाएगा। और गाइस, काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे, कॉमेंट कर रहे कि हर्ष भाई ये दोनों क्लैश होने वाले हैं, तो आपके ओपिनियन क्या होने वाले हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है, दूर दूर से अपडेट निकल कर आ रहा है कि पुष्पा भाव पोस्टपोन होने वाले हैं, सुकुमार सर इसे पोस्टपोन कर देंगे, क्लैश नहीं करेंगे, बॉलीवुड अब बहुत आगे निकल गया, ये हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल गाइस, मुझे इतने कॉमेंट पड़े, इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं कि हर्ष भाई कुछ तो रिप्लाई कर दो, कुछ तो रिस्पॉन्स कर दो। तो गाइज, मैं सबके बारे में बात कर लेते ना यार, अपन खुल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते, किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते। गाइज, मुझे एक बात बताओ, जिन भी लोगों को ये क्लैश फ्लैश लग रहा है ना, तो भाई वो क्लैश फ्लैश जैसी कुछ चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि पुष्पा भाऊ से भाई साहब ये छोटे चिंदी छोर लोग टकराएंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, ये टकराएंगे क्या? क्योंकि पुष्पा भाऊ इतने तगड़े हैं, ऑलरेडी फायर होकर बैठे हैं, और ये ऐसे फायर होने वाले हैं, इंडियन सिनेमा को जलाकर राख करने वाले हैं। अपन वन बाय वन बात करेंगे कि कितना सच है कितना झूठ है। और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है ना, अपने अल्लू अर्जुन यानी कि आइकन स्टार भाई साहब पोस्टपोन होने वाले हैं, तो भाई साहब वो आप लोगों के सपनों में हो सकता है, रियलिस्टिक में नहीं हो सकता है, क्योंकि सुकुमारन सर भाई सब पूरा मूड बना चुके हैं, हम आएंगे तो मेरे पापा के बर्थडे पे आएंगे, यानी कि 15 अगस्त को। पहले अपन बात कर लेते हैं सिंगम अगेन के बारे में। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि सिंगम अगेन क्लैश करेंगी, ये करेंगी, वो करेगी, तो पुष्पा भाऊ चुप बैठेंगे क्या? बताओ, चुप बैठेंगे क्या? तो मैं बता देता हूँ ना आप लोगों को, भाई भाई पुष्पा ये अपने सिंगम अगेन में कौन सी कास्ट है, मैं बता देता हूँ। अपने अजय देवगन सर है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार भी है, दीपिका पादुकोण भी है, और अपने यार टाइगर शराफ भी है, और अपनी करीना कपूर भी है। ये भाई, ये ऑलरेडी इतनी तगड़ी कास्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई साहब, ये कास्ट वास्ट नहीं है, रीमेक कास्ट है, अजय देवगन कास्ट है, ठीक है, रीमेक कास्ट है। उसी के साथ साथ अपने अक्षय कुमार भी रीमेक बुड के ही है, अपने अपने रणवीर सिंह भी अच्छे खासे थे, लेकिन 2-3 मूवियां रीमेक करने के बाद थोड़े से ऐसे ही हो गए हैं, फिर थोड़े से भाई सब यहां पर ये भी आ जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये किस टाइप का कॉप यूनिवर्स होने वाला? सबको पता ना भाई साहब, ये कॉप यूनिवर्स है, सिंगम भी रीमेक है, सूर्या सर की सिंगम का, सिंगम 2 भी रीमेक, मतलब आप समझो भाई, जिसकी जड़ ही कमजोर हो तो पेड़ कितना मजबूत होगा? मुझे एक बात बता दो, जिसकी जड़ ही कमजोर हो, जिसका बेस ही कमजोर हो, भाई सब मकान कैसे मजबूत हो सकता है? तो भाई सब कोप यूनिवर्स किस बात का हो सकता है? और ये भाई सब, ये जो कंटेंट है, पुष्पा द रूल ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट है, उगाया हुआ कॉन्टैक्ट है, लिखा हुआ कॉन्टैक्ट है, ये कोई कॉपी पेस्ट वाला कॉन्टेंट नहीं है। और गाइस, आज से 4 दिन, सुन लो यार, मैं बता रहा हूं ना यार, सुनो पहले मेरी बात, मैं बता रहा हूं, आज से 4 दिन पहले यानी कि 1 जनवरी को मूवी की टीम ने, डायरेक्टर सुकुमारन सर ने और प्रोड्यूसर ने ऑफिशियली लेवल पे ये पोस्टर शेयर किया था। देख लो यार, अरे देखो यार, जिन भी लोगों को लग रहा है कि पोस्टपोन होने वाली है तो देख लो यार, हाँ देख लो, हाँ। तो भाई 2024 में, क्योंकि 2024 रूल पुष्पा का होने वाला, समझ गए ना आप, 2024 रूल पुष्पा का होने वाला, तो ये अंडी झंडी चोर, ये किस टाइप के एक्टर कहां से लगने वाले हैं पुष्पा दा भाऊ के सामने? लगेंगे क्या? क्योंकि वहां पर काफी तगड़ी तगड़ी कास्ट है, फहद फाजिल है यानी कि भंवर सिंह शेखावत, उसी के साथ साथ अपना प्रकाश राज होने वाले हैं, अपने विजय सेतुपति सर भी होने वाले हैं, और भी सुनील होने वाले हैं, मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी, जगपति बाबू भी होने वाले हैं, जो कि अभी सालार सीज फायर पार्ट 1 में कर्ता के कैरेक्टर यानी कि राजा मनार के कैरेक्टर में देखने को मिले थे। भाई सब कास्ट छोटी मोटी नहीं है। और अभी भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं, तो नेगेटिविटी भाई साहब, अभी टोटल 8 से 9 बन थे इसे थिएटर में रिलीज होने के लिए, अभी से किस बात का क्लैश कर रहे हो आप? भाई दोनों मूवियां काफी पोटेंशियल रखती है, पुष्पा द रूल भी काफी पोटेंशियल रखती है, सिंगम अगेन भी पोटेंशियल रखती है, क्योंकि भाई रोहित शेट्टी उसे डायरेक्ट करे, एक्शन थ्रिलर काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन गाइज, वो मतलब कि आप बोलो, मतलब आप समझ लो कि किस टाइप की वाइब आने वाली है। सिंगम आप उठाकर देख ले उसी जगह, फिर आप सूर्या सर की सिंगम उठाकर देख ले तो किस टाइप का वाइब आ रहा है, तो फिर सिंगम अगेन से किस टाइप का वाइब आ सकता है, तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की मूवी हो सकती है। लेकिन गाइज, पुष्पा भाऊ इस बार इतने दमदार लेवल पे आने वाले, इतने दमदार लेवल पे, क्योंकि भाई सब पुष्पा भाऊ फरार हैं। और गाइस, जिन भी लोगों को लग रहा है ना कि ये क्लैश फ्लैश टाइप की मूवियां होने वाली है, इंडियन सिनेमा को फिर से लाकर रखने वाली है,
तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोगों को लिटरली एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप बोलोगे तो ही मैं बताऊंगा। भाई सब सिंघम अगेन में जितना एक्शन सीक्वेंस, फाइटिंग सीक्वेंस, जितने स्टंट होने वाले हैं, उतने ही पुष्पा द रूल के जात्रा वाला फाइटिंग सीक्वेंस जहां पे पुष्पा वो इस तरह से और पूरे माता जी के गेटअप में देखने को मिल रहा है, हाथ में तमंचा है, भाई सब वही एक्शन सीक्वेंस इतना तगड़ा होने वाला है, इतना तगड़ा होने वाला है जो कि सिंघम अगेन से डबल तिबल गुना बड़ा होने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हैं, और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टर सुकुमारन सर ने बोली है, अल्लू अर्जुन सर ने बोली है, फहद फाजिल ने बोली है कि जात्रा वाला फाइटिंग सीक्वेंस इंडियन सिनेमा को तोड़ के मरोड़ के, मतलब कि मैं सच बता रहा हूं, इनको बोलो झुबा केसरी बोलने पर मजबूर करने वाला है। बाकी होप फॉर द बेस्ट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो तो टाइम के साथ पता चली जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा और ना ही कोई क्लैश हो रहा है। भाई सब पुष्पा बा उसी जगह टिके रहेंगे जहां पर वो टिके थे, यानी कि 15 अगस्त को मेरे पापा के साथ ही आएंगे, वो उसी तारीख को ही आएंगे। लेकिन भाई इधर का मैं कुछ बोल नहीं सकता, सिंघम अगेन का मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कब आएंगे, क्योंकि यार ऑलरेडी आप लोग समझते, इतना पावरफुल कॉन्टेंट है पुष्पा द रूल का, तो आप खुद समझ जाओ। बाकी गाइज आप लोग हमें बताएं पुष्पा द भाऊ के बारे में और सिंघम अगेन के बारे में क्या लगता है, कौन क्लैश जीतने वाला है, क्लैश होगा या नहीं होगा, कौन सी मूवी पोस्टपोन होगी, अपने ओपिनियन और रिएक्शन भाई सब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। बस बोल दिया तो कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है क्लैश के बारे में। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।